स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिवीज़न बाय वन डिजिट नंबर सीखेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इन डिवीजन्स को. डिवीज़न बाय वन डिजिट नंबर. ओके, चलिए देखते हैं. यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद इसमें से क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो डिवाइड हम जब करेंगे तो हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर अपने आप मिल जाएंगे. क्वेश्चन क्या है हमारा, 2456 डिवाइडेड बाय 9. 9 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है. चलिए डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम वन डिजिट सीखेंगे. हम हमेशा एक एक डिजिट लेकर डिवीज़न करते हैं, बट अगर हमारी पहली वाली डिजिट हमारे इस वाले डिजिट से छोटी है तो उस कंडीशन में हम दो डिजिट ले लेंगे. ठीक, अगर दो भी छोटी होगी तो फिर हम तीन डिजिट लेकर डिवाइड करेंगे. ठीक, सबसे पहले आप एक डिजिट चेक करेंगे, एक डिजिट से डिवीज़न हो रहा है क्या हमारे डिवाइजर से. डिवाइजर हमारा बड़ा था 2 से, इसलिए हमने फिर दो डिजिट ले ली. ठीक है, दो डिजिट 9 से 24 बड़ा होता है. तो चलिए अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. 9 की टेबल पढ़ेंगे, 24 से ज़्यादा ना हो. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. ज़्यादा हो गया तो उसे पहले 2 टाइम पे डिवाइड करेंगे. 9 2 जा 18, 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6. और ऊपर से क्या आ गया, यहाँ से एक एक डिजिट करके ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, 5 आ गया. ठीक है, अब 9 की टेबल पढ़नी है, 65 से ना जाए, ज़्यादा ना जाए. तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, एंड 9 8 जा 72. तो 7 जा पाई जाएगा, ये 7 जा माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 6 0, लिख नहीं रही हूँ मैं. फिर ऊपर से क्या करेंगे यहाँ पे 6. ओके, 6 से यहाँ नीचे लेकर आएंगे. अब 9 की टेबल पढ़ेंगे, 26 से ज़्यादा ना हो. तो 9 3 जा 27, 27 तो ज़्यादा हो गया, इसे भी 2 टाइम्स में फिर से यहाँ पे 2 टाइम्स में क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. तो 9 2 जा क्या होता है, 18 होता है. देन 16 माइनस 8 16 माइनस 8 8. एंड यहाँ पे इसने इसको बोरो दे दिया था, तो यहाँ पे 1 1 माइनस 1 0 हो गया. ठीक, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन हमारा आया है 25272. क्वेश्चन हमारा आ गया 272, और हमारा रिमाइंडर आ गया 08. ओके, तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं. होप कि क्लियर हो गए होंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच.